आप सभी को नमस्कार, मैं हूं इसके मां और आप देख रहे हैं हिंदी 7 न्यूज। खबर प्रयागराज से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में विधायक ने गिनाई उपलब्धियां। जी हां, नगर पंचायत कार्यालय पांगरम में आयोजित प्रदेश सरकार के सफलतापूर्वक 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक विक्रमाजीत मौर्य ने कहा कि भाजपा सरकार के 4 साल में हर तबके को योजनाओं का लाभ मिला है। क्षेत्र की जनता को बराबर बिजली मिल रही है। पानी की समुचित व्यवस्था के लिए हर ग्रामीण क्षेत्रों में अब पानी टंकी निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आगे कहा कि कस्बावासियों की मांग पर जेठवाड़ा रोड रेलवे लाइन पर जाम से छुटकारा पाने के लिए ओवरब्रिज बनाए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। गुंडे माफिया जेल के सलाखों के पीछे हैं या पलायन कर चुके हैं। सरकार गरीबों के लिए लगातार कार्य कर रही है। वहीं पूर्व चेयरमैन प्रदीप के शर्वानी, डॉक्टर रमापति त्रिपाठी, सुरेंद्र मिश्र, तुलसीराम सरोज, विनोद ओझा आदि ने अपने विचार रखे। विधायक ने पीएम स्वनिधि एवं आवास योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण किया। कार्यक्रम का संचालन मुनिमजी अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम के बाद विधायक ने चौपाल लगाकर क्षेत्रीय जनता की समस्याएं सुनी। सभासद अजीत गुप्ता ने निंदूरा स्थित होलिका दहन स्थल मामले को विधायक के समक्ष रखा। मामले को गंभीरता दिखाते हुए विधायक ने उप जिलाधिकारी स्तरों से फोन पर वार्ता कर मामले को अविलंब निस्तारण कराने को कहा। इस मामले में SDM ने 2 दिन के अंदर सभासद व सम्मानित नागरिकों के बीच बैठक कर समस्या का हल निकालने की बात फोन पर विधायक जी से कही। इस मौके पर सभासद शिवमूरत, आजाद, अब्दुल कलाम, अशरफ आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद 7 न्यूज। साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उत्तर प्रदेश में कार्यकाल पूरा होने पर 4 साल बेमिसाल के लिए आयोजन किए जा रहे हैं। अभी मैं कविहार ब्लॉक में भी किसान गोष्ठी में था, आज ये टाउन एरिया के गोष्ठी में हूँ। तमाम लाभार्थियों को आवास और लोन के प्रमाण पत्र भी दिए गए और जो भी लाभार्थियों के काम है सब वो सब पूरी तरह से किए जा रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में सभा जिसका आयोजन किया गया था और मैं समझता हूँ आज के इस 4 साल बेमिसाल में जितना भी काम गरीबों के हित में, किसानों के हित में, हर वर्ग के हित में किया गया है वो अपने में भी मिसाल है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को और योगी जी को अपनी तरफ से, अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से, अपने क्षेत्र की तरफ से, टाउन एरिया की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है, हम लोगों पर विश्वास किया है। उन्होंने सांसद विधायक की सीट जितवाया, सांसद की सीट भी जितवाया, आगे पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ जितना विकास का काम हुआ है क्षेत्र में हर दृष्टि से, सड़क, बिजली, पानी और किसानों के हित में जो काम किए गए हैं, मैं समझता हूँ पंचायत चुनाव में और आगे आने वाले जो भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी, यही आशा और विश्वास। बहुत धन्यवाद।